हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी यहाँ पे एकदम ठीक हैं। तो ये है सहरी से पहले का टाइम एंड मैं और समावे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। हम लोगों ने सोचा चलो यार कलरिंग स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज वाई नॉट। तो कलर्स करते करते हो गया था सहरी का टाइम एंड आज मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का, तो मैंने अपने लिए और मनाहिल के लिए पराठा बनाया था। बट मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं लगाया था, सिर्फ इसको पकाते वक्त मैंने बाहर थोड़ा सा घी लगा लिया था, ऑयल भी नहीं बल्कि घी। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो है ना पराठा स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब मैं ना आटे को बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल भी कर सकती हूँ और शेप भी बिल्कुल अच्छी बन जाती है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पराठा की शेप है बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल गोल गोल बनी है। एंड दिस वाज इट। मेरी जो कॉफ़ी है ना, मैं ये लाई थी कोई आलमंड फ्लेवर की कॉफ़ी एंड इसका इतना ना पतला सा टेक्सचर था। जो 3-in-1 होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, लेकिन ये इतनी अजीब सी काली सी थी। बट ऑनेस्टली इसका टेस्ट तो खैर अच्छा था, इसलिए मैंने पी भी ली थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं आजकल अपनी ना स्किन केयर स्टार्ट कर लेती हूँ एंड मैं अपनी स्किन का थोड़ा सा ख्याल रखती हूँ। सो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ टोनर से, बिकॉज़ मेरी स्किन ना थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो जाती है फ्रीक्वेंटली, मंथ में 1-2 दफ़ा। तो टोनर से ना मैंने अपने सबसे पहले फेस वॉश किया था, उसके बाद मैंने ये टोनर अप्लाई किया। ये समावी को ना PR में मिला था, बिकॉज समावी प्रोडक्ट फोटोग्राफर है तो उसको PR में प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। एंड उसके बाद मैंने लगाया था ये विटामिन सी सीरम, ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का है। सुना है कि ये पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि यार इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं। जो PR वाले प्रोडक्ट्स हैं ना समावी के, वो बाहर से आते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती बिकॉज शायद एक्सपेंसिव हो। बट जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको लाजमी रिकमेंड कर सकती हूँ बिकॉज वो आपके लिए बहुत आसान होगा उनको लेना भी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्लेमिश रिमूवर, ये भी समावी को PR में आया था कि देखते हैं कि यार एक्ने के ब्लेमिशेज रिमूव होते भी हैं या नहीं। एंड विटामिन सी सीरम का मैं रिव्यू आपको 1 वीक के बाद दूंगी। एंड उसके बाद होगी थी द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे ना आज मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना था एंड सुबह उठते साथ ही मैंने देखा कि यार बेड पे इस तरह ना सर्दियों के कपड़े बिखरे, मतलब पड़े हुए हैं, बिखरे तो नहीं पड़े लेकिन अच्छे से पड़े हुए हैं। एंड मुझे पता चला कि मनाहिल ने ना कपड़े शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिए, सो आई वॉज़ क्वाइट हैप्पी कि यार चलो मौसम चेंज हो रहा है तो अब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो मैं तैयार शहर होकर चली गई थी यूनिवर्सिटी एंड आज मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था क्योंकि मार्च के एंड में ना मौसम ज़रा क्लाउडी होना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ना स्वेटर ही पहन ली थी कि यार कुछ पता नहीं चलता बारिश वगैरह ना स्टार्ट हो जाए। खैर यूनिवर्सिटी में ना ख्वाहिशवार होने के बाद फिर मेरी क्लास जो है वो ओवर हो गई थी और मैं भाग गई थी घर। ओके गाइस, मैं यूनिवर्सिटी से आ चुकी थी एंड अब का सीन ये है कि मैं हो जाती हूँ तैयार बिकॉज मेरी फ्रेंड आ रही है एंड आज हम लोगों ने इफ्तारी बाहर करनी है। एक प्रॉब्लम हो गई है कि मैं जो हूँ ना, मेरा माइक घुट चुका है एंड आई हैव नो आइडिया मेरा माइक किधर चला गया है। मैं माइक के बगैर नहीं ब्लॉग कर सकती बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मेरी आवाज़ ठीक जा रही है कि नहीं जा रही। बट एनीवेज लेट्स गो, मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट आई एम वेयरिंग क्योंकि मेरी दोस्त जो है ना वो निकल आई है, शी लिव्स इन G13, वो निकल आई हुई है एंड फिर लेट ना हो जाऊँ। मैंने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की, मैंने कपड़े भी प्रेस नहीं किए, सो लेट्स गो क्योंकि मैं ऑलवेज जो है ना मैं लेट ही होती हूँ। तो लेट्स गो, आई विल शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग। So I'm wearing this shirt, I got it from Outfitters and also I'm wearing this jeans. ये वही जीन्स है जिसका यू नो नीचे से फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा होता है, ये पहनते हैं एंड लेट्स गो एंड गेट रेडी। बट इससे पहले ना मैं असर पढ़ लेती हूँ, इन चक्करों में ना मेरी असर की नमाज ना भी मिस हो जाए एंड आई एम होपिंग कि मुझे मेरा ना माइक मिल जाए बिकॉज मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि यार मैं आई डोंट नो, लेट्स गो एंड प्रे। ऑल राइट, तो आई एम हाफ वे माय तैयारी एंड लाइट चली गई है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपने बाल कैसे स्ट्रेट करूं, कोई ऐसे प्लग में लगाती हूँ जो UPS के साथ। ओह शिट, UPS वाले ही चलेंगे। ऑल राइट, ग्रेट न्यूज़, लाइट आ गई है, बाल स्ट्रेट करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ तैयार, आई थॉट कि मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ। स्वेटर एंड जीन्स दोनों मैंने आउटफिटर से ली थी एंड शूज़ आर फ्रॉम मैक्स दुबई। तो मैं लाइक के नीचे वेट कर रही है, आई थॉट कि मैं आप लोगों को आउटफिट दिखा देती हूँ, सो लेट्स गो, उसको वेट ज़्यादा नहीं कराते एंड चलते हैं। तो मलाइका मुझे लेने आ गई थी एंड हम लोग फिर मिल के गए थे सदर ऑक्स एंड ग्रिल। सीधा
एज सून एज वी गॉट ऑफ फ्रॉम द कार, मलाइका ने बलून्स एंड केक निकाला एंड शी गेव मी अ वेरी क्यूट सरप्राइज. ऑक्सन ग्रिल जाने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे एंड अपना व्यू एंजॉय कर रहे थे. एंड इफ्तारी कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो दिस इज़ व्हाट दे गिव फॉर इफ्तार. अच्छा तो वेन एवर वी मीट वी हैव सो मच टू टेल ईच अदर. हम लोग की ना चैटिंग भी होती रहती है लेकिन जो वो वन टू वन डिस्कशन एंड गॉसिप्स होती है ना वो इतनी ज़्यादा जमा हुई होती हैं कि एक सेकेंड नहीं मिलता. एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ एंड आगे से वो एक स्टोरी सुनाती है, फिर एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ एंड वो सुनाती है. एंड वी हैव सो मच टू डिस्कस. इतनी बातें होती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में रोज़ मिलते थे. हम लोग साथ साथ डिस्कशंस करते रहते थे, यार ये हुआ यार ये हुआ. लेकिन डिग्री करने के बाद वी ड्रिफ्ट अपार्ट. तो इसीलिए जब भी अब कोई सब जमा हो जाती है तो हम लोग जब भी मिलते हैं एक दूसरे को एक एक चीज बताते हैं. अभी ना निकला. अच्छा इसको उधर रखो ना साइड पे. हाँ मैं इसको उधर. कितना खाना खाया बेबी, जान नहीं लगती. चलो इसको निकालो. इसको हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अरीशा, हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू. सोची थी तो बिल्कुल मैच है उसके साथ. बहुत प्यारे हैं और इसके अंदर मिनी परफ्यूम. मिनी परफ्यूम नहीं तो खत्म नहीं हो रहा. मोर चॉकलेट्स. ये उसका बैग है. एंड माय मच नीडेड स्किन केयर. थैंक यू. बहुत अच्छा है यार. एंड मेरी फेवरेट चॉकलेट भी ऐसी. हाँ ये मैंने देखी थी तो मुझे याद आया तुम खाती हो. थैंक यू सो मच. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. तो खाना पीना हम लोगों ने कर लिया है, पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे इन सब चीज़ों के साथ. एंड अब हम मुझे जाके बाकी की पिक्चर्स लेंगे. तो वेट हो रहा है गाड़ी में एंड सेल्फीज भी ली. मर्सिडीज निकले तो हम निकले. मैं ना हाँ मैं तुम्हारे फेस के ऊपर ना एक बनी लगाऊंगी और मैं कहूंगी मेरी फ्रेंड का फेस रिवील. तो टाइटल मिल गया. क्लिक बेट. खैर उसके बाद आई केम बैक होम एंड मलाइका भी अपने घर चली गई थी. वी हैड सो मच फन. एंड हम लोग जब भी मिलते हैं ना तो एक इतना रिफ्रेशिंग फील होता है कि यार वी फाइनली मेट एंड वी हैड द गॉसिप्स दैट वी वांटेड टू टेल. एंड दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.